Good morning, students of class 3. Students, I'm sure you all are happy and healthy at home. Please stay at home, listen to your parents, eat well, play well, study well, and sleep well. Students, today I'll be explaining and reciting poem number 2, Palanquin Bearers. So, those of you who have got the new edition of Wordsworth English Reader book, please take out your books and turn to page number 39. Poem 2, Palanquin Bearers. Page 39, Poem 2, Palanquin Bearers. Students, today I'm going to start with Poem 2, Palanquin Bearers. Now, first of all, please understand the meaning of palanquins. The pronunciation is palanquin bearers. How do we pronounce this word? Palanquin bearer. Now, the word palanquin, what does it mean? Palanquin means palki. Beta palki ya doli. Jisme jo bride, jab shadi ho jati hai ladki ki, to wo bride hoti na, jo dulhan jiski shadi hoti hai. Jab shadi ho jane ke baad, पहले जमाने में दुल्हन को ब्राइड को उसके हस्बैंड के घर पालंक्विन में बैठा के ले जाया जाता था. एंड बेयरर्स मींस जो उस पालंक्विन को अपने शोल्डर्स पे उठाते थे, जो उसका वेट अपने शोल्डर पे बेयर करते थे, उनको पालंक्विन बेयरर्स कहा जाता है. ठीक है, तो अभी दिस पोएम इज ऑल अबाउट पालंक्विन बेयरर्स, वो लोग जो डोली को उठाते हैं. नाउ चिल्ड्रन प्लीज लुक एट दिस पिक्चर. बेटा इस पिक्चर में आपको पालंक्विन दिख रही. पालंक्विन मतलब डोली या पालकी. एंड जिसके अंदर कौन बैठा हुआ है? ब्राइड. ब्राइड दुल्हन जब शादी हो जाती है लड़की की, तो उसको पालकी में बिठा के उसके हस्बैंड के घर लेके जाते हैं. और कौन लेके जाते हैं डोली को? देखो, ये बेयरर्स ने उस डोली को अपने शोल्डर पे बेयर करके रखा है. कैन यू सी शोल्डर पे ब्राइड को उठा के रखा है, उस डोली को जिसके अंदर ब्राइड बैठी हुई है. तो इनको बोला जाता है बेयरर्स, पालंक्विन बेयरर्स, पालकी को उठाने वाले. सो अभी आपको समझ में आया डोली या पालकी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? पालंक्विन. क्या बोलते हैं बेटा? पालंक्विन. और जो उसको उठाते हैं अपने कंधे पे, उनको बोलते हैं पालंक्विन बेयरर्स. तो पालंक्विन मतलब पालकी, और उसके उठाने वाले को बोलते हैं पालंक्विन बेयरर्स. सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पालंक्विन. पालंक्विन बेटा वो डोली जिसपे दुल्हन को बैठाते हैं, और फिर उसको कंधे पे उठा के दुल्हन को उसके ससुराल हस्बैंड के घर पहुंचा के आते हैं आफ्टर मैरिज. सो नाउ आई एम श्योर यू ऑल आफ्टर लुकिंग एट द पिक्चर यू ऑल नो व्हाट इज अ पालंक्विन एंड हु आर पालंक्विन बेयरर्स. तो बेटा पालंक्विन होती है डोली या पालकी, और जो पालकी या डोली को अपने कंधे पे उठाते हैं, उनको उसका वजन उठाते हैं, बेयर करते हैं वो वजन, तो इसीलिए उनको बोला जाता है पालंक्विन बेयरर्स. एंड बेटा पालंक्विन बेयरर्स दो लोग भी उठा सकते हैं, फोर्स लोग भी, बट दे शुड बी स्ट्रॉन्ग जो वजन उसका उठा सके. नाउ डेज जनरली वी डोंट सी दिस बिकॉज नाउ डेज आफ्टर द वेडिंग द ब्राइड गोज इन अ कार टू हर हस्बैंड्स हाउस. बट पहले टाइम में क्या होता था? दुल्हन को पालकी में उठा के उसके हस्बैंड के घर पहुंचाया जाता था. एंड जो पालकी या डोली है उसको बोलते हैं पालंक्विन, और उठाने वालों को बोला जाता है पालंक्विन बेयरर्स. सो नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पालंक्विन बेयरर्स. नाउ चिल्ड्रन दिस पोएम इज रिटन बाय सरोजनी नायडू एंड द पोएटिस. बेटा पोएट मेल को बोलते हैं, एंड पोएटिस किसको बोलते हैं? फीमेल को. इफ अ फीमेल राइट्स अ पोएम, शी इज नोन एज अ पोएटिस. तो पालंक्विन बेयरर्स की बेटा पोएटिस इज सरोजनी नायडू. हु इज द पोएटिस? सरोजनी नायडू. नाउ लेट्स रीड अबाउट सरोजनी नायडू चिल्ड्रन. Sarojini Naidu, she was born in 1879 and she passed away at 1949. Beta, Sarojini Naidu was born in 1879 and she died in 1949. She was a Bengali poet.
शी वॉज अ बंगाली पोएट. बेटा वो बंगाली थी इसीलिए उनको बंगाली पोएट कहा गया. हु वॉज ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. एंड चिल्ड्रेन यू मस्ट नो कि सरोजनी नायडू वॉज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. उनको ये टाइटल मिला था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बिकॉज यूज टू राइट ब्यूटिफुल पोएम्स. तो वो बहुत अच्छी पोएम्स लिखती थी इसीलिए नाइटिंगेल. आपको पता है ना एक बर्ड, अ बर्ड का नाम है विच सिंग्स ब्यूटिफुल सॉन्ग. तो दैट इज द रीजन सरोजनी नायडू हैज बीन कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. शी हैज रिटन मैनी चिल्ड्रंस पोएम एंड वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन इंडियाज फाइट फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. एंड बेटा शी हैज रिटन मैनी पोएम्स फॉर चिल्ड्रन एंड शी हैज रिटन ब्यूटिफुल पोएम्स. दैट इज द रीजन शी हैज बीन कंपेयर्ड टू अ बर्ड हु सिंग्स ब्यूटिफुल सॉन्ग्स. एंड शी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर. आपको पता है आज से बहुत साल पहले हमारी कंट्री इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स रूल करते थे और जब फ्रीडम फाइटर्स ने फाइट किया फिर हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई है ना, और आज हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं. तो सरोजनी नायडू ने भी बहुत स्ट्रगल किया था इंडिया के फ्रीडम के लिए. तो शी वॉज ऑल्सो अ फ्रीडम फाइटर. सो सरोजनी नायडू वॉज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड दिस पोएम पालंक्विन बेरस इज रिटन बाय सरोजनी नायडू. अब चिल्ड्रन लेट्स सी व्हाट द पोएटस वांट टू टेल अस. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द कस्टम ऑफ कैरिंग द ब्राइड इन अ पालकी आफ्टर द वेडिंग थ्रू विच शी इज टेकन टू अ न्यू हाउस. बेटा नाउ डेज वी डोंट सी. आज के टाइम में जब शादियां होती हैं तो ब्राइड कार में बैठ के अपने हस्बैंड के संग उसके घर जाती है ससुराल में, है ना. बट बहुत पहले आप अपनी ग्रैंड मदर से या ग्रैंड मदर की मदर से आप उनसे अगर पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि पहले टाइम में जब शादी होती थी तो जो दुल्हन है उसको कार में नहीं बैठा पालंक्विन में बैठा के उसके ससुराल लेके जाते थे. तो ये एक इंडियन कस्टम था कि पीपल यूज टू कैरी द ब्राइड इन अ पालंक्विन आफ्टर द मैरिज टू हर हस्बैंड्स हाउस. उसको पैलेंक्विन में बैठाते थे एंड इधर टू पीपल और फोर पीपल यूज टू कैरी द पैलेंक्विन ऑन देयर शोल्डर्स एंड कैरी द ब्राइड टू हर न्यू हाउस. तो बेटा आप अगर अपनी दादी से या नानी से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि जब उनकी शादी हुई होगी तो वो अपने ससुराल पैलेंक्विन पालकी या डोली में बैठ के आई होंगी. बट नाउ डेज व्हेन वी सी द मैरिजेस आफ्टर द मैरिज द ब्राइड गोज इन अ कार. बट अर्लियर टाइम्स इन इंडिया ब्राइड यूज टू गो इन अ पैलेंक्विन टू हर इन लॉज हाउस. अ पैलेंक्विन इज अ कवर्ड बॉक्स टाइप कैरियर यूजली मेंट फॉर वन पैसेंजर. बेटा एज यू कैन सी पालकी ये एक बॉक्स टाइप होता है बेटा और उसमें जनरली एक ही पैसेंजर बैठ सकता है. यहाँ पे ब्राइड अकेली ही उसमें बैठ सकती है. जैसे हम इफ वी ट्रैवल बाय ऑटो और बाय टैक्सी उसमें टू और मोर देन टू पीपल कैन सिट इन ऑटो टैक्सी इजंट इट. बट पालंक्विन पे बेटा एक ही पैसेंजर बैठता था क्योंकि अगर ज्यादा बैठेंगे तो वो हैवी हो जाएगा, उठाने में भी दिक्कत, जो बेयर करेगा उसके वेट को उनको भी दिक्कत होगी और बैठने वाले को भी प्रॉब्लम होगी. सो इट वॉज मेनली मेंट फॉर वन पैसेंजर ओनली. बॉक्स के जैसा होता था एंड इट वॉज मेंट फॉर मेनली वन पैसेंजर. इट इज कैरीड बाय एन इवन नंबर ऑफ मेन कॉल्ड बेयरर्स ऑन देयर शोल्डर्स बाय मीन्स ऑफ पोल. अब बेटा दिस मीन्स ये इवन नंबर. इवन नंबर आप जानते हो ना, टू फोर सिक्स एट, दीज आर ऑल इवन नंबर्स. तो बेटा ये इवन नंबर के लोग उठाते थे. सपोज आगे की तरफ अगर एक मैन है तो पीछे भी एक मैन होगा और अगर आगे दो मैन है तो पीछे भी बेटा क्या होंगे, दो मैन होंगे. इवन जितने आगे उतने पीछे. अगर आगे एक है एंड सपोज इफ यू सी आगे एक है और पीछे दो हैं तो क्या होगा, उससे जब पालकी को उठा के चलेंगे तो बेटा वो पालंक्विन क्या होगा, डिसबैलेंस होगा. तो हमेशा इवन नंबर के लोग उसको उठाते थे. अगर आगे से दो लोगों ने पोल, ये पोल बेटा ये जो रॉड जिसको उन लोग कंधे पे अपने उठाते हैं पकड़ के, इसको पोल बोला गया है. तो दिस इज द
पोल, ये आपको पोल रॉड दिख रहा है ना, जिसको उन लोगों ने कंधे पे उठाया, इसको बेटा पोल बोला। तो वो पोल बेटा, अगर 4 लोग उठाते थे तो पैलेंक्विन में 2 पोल सगे होते, कि आगे के दो पोल्स जिसपे 2 लोग अलग अलग उठाएंगे, और पीछे भी 2 पोल्स जिसको 2 लोग उठाएंगे। बट जो हमारे बुक में पिक्चर दी है, वो आगे एक बेरर ने उठा रखा है, पीछे एक बेरर ने उठा रखा है। तो ये आप ध्यान रखना, वो हमेशा नंबर इवन में होते थे, इवन में इसलिए ताकि जो पालकी का बेटा बैलेंस है वो बराबर बना रहे। अगर आगे एक होगा पीछे 2 होंगे, या आगे 2 होगा पीछे 1 होगा, उससे क्या होगा, पालकी डिसबैलेंस होगी, और जो पालकी के अंदर ब्राइड बैठी होगी उसको एक तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगी, प्लस उसके गिरने के चांसेस हो जाएंगे। तो हमेशा इवन नंबर में, इधर 2 और 4। सो नाउ यू गेट इट, इवन नंबर क्या होता है बेटा, जो बैलेंस करता है। अगर आगे एक तो पीछे भी एक, 2 पीपल, अगर आगे 2 तो पीछे भी 2, 4 पीपल। तो हमेशा इवन नंबर के लोग बेटा उस पालकी को उठाते, सो दैट दे कैन मेंटेन द बैलेंस ऑफ द पैलेंक्विन। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द पैलेंक्विन। और ये पैलेंक्विन कब होता था बेटा, पालकी कब यूज की जाती थी, जब शादी हो जाती थी तो दुल्हन को पालकी में बिठा के उसके ससुराल में, हस्बैंड के न्यू हाउस में उसको लेके जाते थे। नाउ चिल्ड्रन, बिफोर आई रिसाइट द पोयम, लेट्स गो थ्रू द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस पोयम। चिल्ड्रन, द फर्स्ट वर्ड इज बेयर। बेयर मीन्स टू कैरी, उठाना। आप पालंक्विन बेयरर्स, उस पालंक्विन को कहाँ बेयर करते, अपने शोल्डर्स पे, शोल्डर्स पे वो उठा के ब्राइड को उसके घर से अपने हस्बैंड के घर में लेके जाते। तो बेयर करना मीन्स टू कैरी करना, वो पालंक्विन को अपने शोल्डर्स पे कैरी करते। तो बेयर मीन्स टू कैरी, कैरी करना, उठाना। नाउ चिल्ड्रन, द सेकेंड वर्ड इज स्वेज। द सेकेंड वर्ड इज स्वेज। स्वेज मीन्स मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड। जैसे आपने कभी क्लॉक का पेंडुलम देखा है, वो कैसे स्वे करता है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, वो स्वे करता है ना क्लॉक का पेंडुलम, वैसे मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड। तो उसको बोलते हैं स्वे करना, पहले लेफ्ट जाना फिर राइट आना, पहले लेफ्ट जाना फिर राइट आना। दिस इज द मूवमेंट, टू एंड फ्रो इज नोन एज स्वेज, मूविंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड। जैसे वो जो क्लॉक का पेंडुलम मूव करता है, हाँ, साइड टू साइड, पहले लेफ्ट जाएगा फिर राइट आएगा, फिर लेफ्ट जाएगा फिर राइट आएगा। तो दिस मूवमेंट इज नोन एज स्वे। बेटा इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्वे, मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड। तो स्वे मीन्स मूविंग टू एंड फ्रो, जैसे मूविंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, आगे जाना पीछे जाना, आगे जाना पीछे जाना। सो दिस इज स्वेज, मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड। स्वेज मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड। एंड द फर्स्ट वन चिल्ड्रन, बेयर मीन्स टू कैरी, बेयर मीन्स टू कैरी। नाउ चिल्ड्रन, द थर्ड वर्ड स्किम्स। स्किम्स मूव्स क्विकली, मूव्स क्विकली। स्किम्स मतलब मूव्स क्विकली, बहुत जल्दी से मूव करना, बहुत फास्ट तरीके से मूव करने को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्किम्स, SKIMS। स्किम्स मीन्स मूव्स क्विकली, स्किम्स मीन्स मूव्स क्विकली। व्हाट डज स्किम्स मीन्स, मूव्स क्विकली। द चिल्ड्रन, फोर्थ वर्ड इज फोम। फोर्थ वर्ड इज फोम। फोम्स मीन्स बबल। आप ने कभी भी देखा है, अगर आप थोड़ा सा बकेट में वाटर डालिए और उसके अंदर थोड़ा डिटर्जेंट डाल के जोर से हिला दीजिए, तो ऊपर कैसे झाग झाग आ जाते हैं, झाग झाग में बबल्स बनते हैं, उन बबल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोम। आप बकेट में थोड़ा सा डिटर्जेंट या शैम्पू डाल के उसको जोर से शेक कर दीजिए, तो ऊपर जो वाइट वाइट फोम जम जाता है। अभी आपको समझ में आया व्हाट इज फोम, बबल्स, उसमें से छोटे छोटे बबल्स बन के निकलते हैं। एट टाइम्स आपको थोड़ी मस्ती होती तो वो बबल्स को आप हाथ पे लेके ऐसे उड़ा भी देते हो, इजंट इट। सो नाउ आई एम श्योर आपको समझ में आ गया व्हाट इज फोम। तो बेटा जब बहुत सी में या रिवर में बहुत वेव्स बनती हैं, तो पानी के ऊपर भी ऐसे फोम जैसा वाइट वाइट दिखता है, बबल्स दिखते हैं, है ना, तो उसको यहाँ पे फोम बोला गया है। फोम मीन्स झाग, जो झाग होता है ना, तो उसको फोम बोला गया है।
वो फोम मीन्स बबल्स, एंड वो फोम के अंदर छोटे 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 बबल्स होते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के, है ना, आप देखते हो. सो फोम मीन्स बबल्स. एंड चिल्ड्रन द फिफ्थ वर्ड इज गेली. फिफ्थ वर्ड इज गेली. गेली मीन्स चीयरफुली, हैप्पीली. गेली चीयरफुली हैप्पीली. When you are cheerful, when you are happy, that is known as gaily. So gaily means cheerfully or happily. Gaily means cheerfully or happily. Children, the next word is glide. Glide means move smoothly. Ekdam smoothly move karna. Bina kisi bump ke. Bina kisi jhatke ke smoothly move karne ko hum kya bolte hain? Glide karna. है ना. सो ग्लाइड मीन्स मूव स्मूथली. ग्लाइड मीन्स मूव स्मूथली. टू मूव स्मूथली विदाउट एनी बम्प्स. ग्लाइड मीन्स मूव स्मूथली. ग्लाइड मीन्स मूव स्मूथली. चिल्ड्रन आवर सेवेंथ वर्ड इज स्प्रिंग्स. सेवेंथ वर्ड चिल्ड्रन इज स्प्रिंग्स. स्प्रिंग्स मीन्स जम्प्स. स्प्रिंग मीन्स जम्प्स. स्प्रिंग मीन्स जम्प्स. स्प्रिंग मीन्स jumps. Jumps to everyone knows. You all jump, isn't it? Spring means jump. You go up and then you come down. That is spring. Spring means jump. Then children, our eighth word is beam. Our eighth word is beam. Beam means light. Beam means light. Beam means light. Beam means light. Jo roshni hoti na beta, wo wala light. Beam means light. Beam means light. Now children, the ninth word is bro, and bro means top. हमारे जो सिर का माथा जिसको बोलते हैं वो bro है. तभी आप देखते हो ना eye bro, आँख के ऊपर वाला हिस्सा bro. और आपके eyebrows कहाँ होते हैं? आपके सिर के माथे के ऊपर होते हैं. तो ये top portion को बेटा बोलते हैं bro. So bro means top. आप ऐसे याद करो, आपके bros कहाँ हैं? Eyes के ऊपर, eyes के top पे हैं. तो ब्रोज मीन्स टॉप. यू ट्राई टू रिमेंबर लाइक दिस. आईब्रोज तो सबको पता है ना. आईब्रोज तो आपके आईब्रोज कहाँ है? आपके आई के टॉप के ऊपर है. कहाँ है बेटा? आई के टॉप पे है. तो ब्रोज मीन्स टॉप. ब्रोज मीन्स टॉप. ब्रोज मीन टॉप. ब्रो मीन्स टॉप. ब्रो मीन्स टॉप. ब्रो मीन्स टॉप. एंड चिल्ड्रन, the last word is tide. The tenth word is tide. And tide means wave. जब जो लहर होती है ना, पानी की लहर, उसको हम wave भी बोलते हैं और tide भी बोलते हैं. तो tide means wave, लहर, जिसको हिंदी में बोलते हैं. जो बहुत तेज हवा चलती है तो पानी में waves उठती हैं, है ना. There are waves in the water. तो tide and wave. Tide means waves. Tide means waves. Tide means waves. Now let's revise the word meanings once again, children. Bear, carry. Beta, some of you pronounce this B-E-A-R as bear. It is not bear, it is bear. B-E-A-R is bear. Ab beta, bear ka bhi do meaning hota hai. Hai na? Ek bear hota hai, jo noun hota hai, bhalu jisko hum bolte hai. I saw a bear in the forest. But yahan pe bear ek verb hai. Verb hai, action hai. क्या यहाँ पे बेयर एक एक्शन है? तो डोंट गेट कंफ्यूज. दोनों का प्रोनाउंसिएशन विल बी B-E-A-R, बेयर ओनली. बट एक नाउन मीनिंग होता है और एक वर्ब है. और यहाँ पे वर्ब है. नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. और बेयर यहाँ पे बेटा एक नाउन नहीं है, वर्ब है, एक्शन वर्ब है. बेयर करना मतलब कैरी करना. कैरी करना मतलब उठाना. ये एक्शन है. तो यहाँ पे बेयर एक वर्ब है. तो डोंट गेट कंफ्यूज कि B-E-A-R बेर है तो बेर जो एनिमल होता है हम वो लिख दें. नो, यर बेर इज अ वर्ब. एंड यहाँ पे बेर का मतलब होता है कैरी करना. कैरी करना मतलब बेटा उठाना. तो बेर मीन्स कैरी. इट्स अ वर्ब. डोंट गेट कंफ्यूज विद द एनिमल बेर. एंड प्लीज प्रोनाउंस इट एज बेर, नॉट बियर. सो प्रोनाउंस इट करेक्टली. एंड यू नीड टू see the usage of the word in the sentence and in poem. Palanquin bearer. Bear means to carry. Bear means carry. Carry means uthana. Bear means to carry. Bear means to carry. Now children, the second word is sways. Sways means
move slowly from side to side. Sways, move slowly from side to side. आप क्लॉक का पेंडुलम याद करो, वो स्वे करता है. राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट टू राइट, ऐसे स्वे करता है कि नहीं पेंडुलम? तो दैट इज स्वेइंग, द पेंडुलम इज स्वेइंग, इट इज गोइंग टू एंड फ्रो. सो स्वेज मीन्स मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड. स्वेज मीन्स मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड. स्वेव मीन्स मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड. चिल्ड्रन द थर्ड वर्ड इज स्किम्स. Skims moves quickly. Skims moves quickly. Skims moves quickly. The fourth word is foam. Foam means bubbles. Foam means bubbles. Foam means bubbles. जो झाग के ऊपर bubbles आते हैं, that is foam, children. Foam means bubbles. The fifth word is gaily. Gaily is cheerfully or happily. Gaily, cheerfully or happily. Gaily means cheerfully or happily. Now, the sixth word, children, is glide. And glide means move smoothly. Glide means move smoothly. Ekdam smoothly move karna. Bilkul jhatka nahi lagna. That is gliding. Move smoothly. Glide, move smoothly. Then, the seventh word is springs, children. Spring means jumps. Spring means jumps. Springs means jumps. Spring means jump. Then the eighth word is beam, and beam means light. Roshni jisko bolte hain. Beam means light. Beams means light. Beams means light. Then the ninth word is brow, and brow means top. Eyebrow hamara eye ke top ke upar hota hai, isn't it? So try to remember it like that. Brow means top. Brow means top. Brow means top. And the tenth word, children, is tide. Tide means wave. Wave मतलब बेटा जो लहर, पानी में जो लहर चलती है, लहर उठती है, उसको हम क्या बोलते हैं? Tide wave. Tide waves. Tide wave. So now I hope the word meanings are clear to you. And now you also know what is a palanquin. जो पाली या डोलकी होती है, पालकी या डोली, उसको हम पैलेंक्विन बोलते हैं. और डोली उठाने वालों को क्या बोलते हैं? पैलेंक्विन बेरर्स. क्या बोलते हैं बेटा? पैलेंक्विन बेरर्स. नाउ चिल्ड्रन, आई विल रिसाइट द पोयम. प्लीज लिसन टू मी केयरफुली एंड देन यू आल्सो रिसाइट. फर्स्ट आई विल रिसाइट, देन इन द सेकेंड टाइम यू रिसाइट आफ्टर मी. फाइन. लाइटली, ओ लाइटली वी बेयर हर अलोंग. She sways like a flower in the wind of a song. She skims like a bird on the foam of a stream. She floats like a laugh from the lips of a dream. Gaily, oh gaily, we glide and we sing. We bear her along like a pearl on a string. Softly, oh softly, we bear her along. She hangs like a star in the dew of her song. She springs like a beam on the brow of the tide. She falls like a tear from the eyes of a bride. Lightly, oh lightly, we glide and we sing. We bear her along like a pearl on the string. So now I've recited the poem. Now once again I'll recite, and I'll recite with little pause so that when you hear me, you also recite. So I'll recite but with a pause. मैं बेटा थोड़ा रुक रुक के recite करूँगी, so that you can also recite the lines after me. So I'll be reciting the first line, then I'll give a pause. You repeat it after me. Palanquin Bearers by Sarojini Naidu. Lightly, oh lightly, we bear her along. She sways like a flower in the wind of a song. She skims like a bird on the foam of a stream. She floats like a laugh from the lips of a dream. Gaily, oh gaily, we glide and we sing.
We bear her along like a pearl on a string. Softly, oh softly, we bear her along. She hangs like a star in the dew of a song. She springs like a beam on the brow of the tide. She falls like a tear from the eyes of a bride. Lightly, oh lightly, we glide and we sing. We bear her along like a pearl on a string. So children, this poem, Palanquin Bearers, comprises of two stanzas. Beta, ye poem apki do stanza ki. Now, what is a stanza? Beta, jo paragraph hota hai lessons mein, poem mein hum unko stanzas bolte hain. Paragraph hum lesson mein bolte hain and poem mein hum kya bolte hain beta? Stanza. S-T-A-N-Z-A, stanza. तो ये पोयम आपकी कितने स्टेंजास की है बेटा? टू. ये आपका फर्स्ट स्टेंजा एंड दिस इज योर सेकेंड स्टेंजा. दिस पोयम पैलेंक्विन बेरर्स कंप्राइजेस ऑफ टू स्टेंजा. सो नाउ आई एम श्योर अभी आप सब सारे बच्चों को स्टेंजा का मीनिंग पता हो गया है. पैराग्राफ लेसन में होता है और पोयम में जो पैराग्राफ आता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेंजा बोलते हैं. तो इस पोयम में जो है कितने टोटल स्टेंजास की पोयम है बेटा? टू स्टेंजास की पोयम है. नाउ आई विल एक्सप्लेन द पोयम. लाइटली ओ लाइटली वी बेयर हर अलोंग. शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ अ सॉन्ग. स्टूडेंट्स, दीज आर द लाइन्स सेट बाय द पैलेंक्विन बेयरर्स. जो बेटा डोली उठा रहे हैं वो लोग अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो जब ब्राइड को अपने शोल्डर्स पे उठा रहे हैं पालकी के अंदर तो उनको कैसा, हाउ आर दे फीलिंग. तो दे आर कैरिंग अ न्यूली वेड ब्राइड. वो एक तुरंत शादी हुई दुल्हन को अपनी पालकी के अंदर बैठा के ले जा रहे हैं. सो द पैलेंक्विन बेयरर्स, जो पालकी उठाने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं लाइटली और लाइटली वी बेयर हर अलोंग, कि हम बहुत हल्के हल्के से हमने डोली उठा के रखी है एंड हम बहुत हल्के से उस डोली को उठा रहे हैं. एंड शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ अ सॉन्ग. जैसे बेटा जब तेज हवा चलती है तो उसमें फूल कैसे हिलता है ना, फूल स्वे करता है लेफ्ट राइट. तो कह रहे जैसे जैसे हमारी पालकी, जो पैलेंक्विन का मूवमेंट है, हम उठा के चल रहे हैं तो वो जो ब्राइड पालकी के अंदर बैठी है उसका मूवमेंट कैसा है? एक फ्लावर के जैसा है. शी इज सो ब्यूटिफुल द ब्राइड. बेटा जो दुल्हन है वो इतनी सुंदर और डेलिकेट है तो इसीलिए उसको किससे कंपेयर किया गया? एक फ्लावर के जैसे कंपेयर किया गया है कि जब तेज हवा में फ्लावर स्वे करता है, जैसे फूल हिलता है, फ्लावर हिलता है, वैसे ही पालकी के अंदर जो ब्राइड है वो हिल रही है. और वो जो पालकी बेयरर्स है वो उसको पालकी में उठा के कहाँ लेके जा रहे हैं? टू हर न्यू हाउस. उसकी जब शादी हुई है अब वो अपने हस्बैंड के घर जा रही है तो उसको पालकी वाले कहाँ लेके जा रहे हैं? टू हर हस्बैंड्स न्यू हाउस. शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम. और पहले उन्होंने किससे कंपेयर किया ब्राइट को? एक फ्लावर से जो हवा में, हवा के झोंके से हिलता है. शी सो ब्यूटिफुल एंड डेलिकेट. नाउ दे आर सेइंग कि वो एक बर्ड, एक चिड़िया के जैसे है. जो आपने कभी चिड़िया देखा है, बर्ड एकदम से आती है ऊपर से, इधर शी कम्स टू ड्रिंक वाटर और शी जस्ट पुट्स अ बीक इन द वाटर. हाँ, वो कभी एकदम से आती तो वो एकदम अपना बिना टच किए हुए वो एकदम जल्दी से आती और फोम के ऊपर से टच करके चली जाती बर्ड. वैसे ही ये जो ब्राइड है, उन्होंने ब्राइड को बर्ड से कंपेयर किया गया है कि वो वैसे ही एकदम बर्ड के जैसे लाइट है कि वो एकदम स्ट्रीम के ऊपर आती है, फोम्स को बिना छुए शी गोज बैक. तो द ब्राइड इज एज लाइट एज अ बर्ड. देन द फोर्थ लाइन सेज शी फ्लोट्स लाइक अ लार्व फ्रॉम द लिम्स ऑफ अ ड्रीम.
शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम. बेटा जब आप सपना देखते हो और कुछ अच्छा सा ड्रीम देख रहे हो तो आपके लिप्स पे एक स्माइल आ जाती है, आप मुस्कुराते हो, है ना. आप कोई भी जब सपना देखता है, अच्छा सा कुछ देख रहा है, तो देयर इज अ स्माइल एंड लाफ ऑन द लिप्स. दो यू आर स्लीपिंग बट दैट स्माइल और लाफ है. तो कहते हैं कि वो जो ब्राइड है, जो दुल्हन है, शी इज लाइक दैट लाफ, जो लिप्स के ऊपर एक लाफ और स्माइल आ जाती है, अच्छा सपना. तो दैट ब्राइड इज कंपेयर टू दैट लाफ. और जैसे वो स्माइल आती है जाती है हमारे लिप्स पे, वैसे ही ब्राइड जो है पैलेंक्विन पालकी के अंदर फ्लोट कर रही है. तो शी इज कंपेयर टू द लाफ ऑन द लिप्स व्हेन यू ड्रीम. गेली और गेली वी ग्लाइड एंड वी सिंग. एंड जो बेटा पालकी बेरर्स है वो कह रहे हैं वी आर वेरी हैप्पी, वी आर प्रिविलेज, हमें बहुत खुशी हो रही है ब्राइट को उठाने में. एंड वी आर सो हैप्पी, हम इतने हैप्पी और चेयरफुल है कि वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग. वो डोली उठाते हुए और गाना गा रहे हैं. दे आर कैरिंग द पैलेंक्विन एंड सिंगिंग अ सॉन्ग. एंड वी बेयर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग. और वो कह रहे हैं हमने वो ब्राइड को, दुल्हन को ऐसे उठा के रखा है जैसे आप एक डोरी में एक मोती को उठाते हैं ना, मोती को आप बहुत संभाल के मोती डोरी में उठाते हैं. बिकॉज पर्ल, पर्ल मतलब मोती, पर्ल मतलब मोती, बिकॉज पर्ल इज वेरी प्रेशियस, पर्ल बहुत प्रेशियस होता है. आप उसको बहुत केयरफुली स्ट्रिंग में डालते हैं, है ना, कि वो गिरे नहीं. एंड वो कह रहे हैं हमने ब्राइड को कैसे उठा के रखा है, जैसे ब्राइड को किससे कंपेयर किया उन्होंने बेटा, एक मोती से. जैसे पर्ल जो मोती एक डोरी में कैसे डोरी के अंदर मोती को पिरोया जाता है, वैसे ही ये पालकी बेरर्स ने, पैलेंक्विन बेरर्स ने दुल्हन को मोती की तरह बेर करके रखा है. सो दे आर वेरी हैप्पी. दिस मतलब द पालकी बेरर्स एक्सप्रेसेस द जॉय एंड प्राइड इन कैरिंग द न्यूली वेड ब्राइड टू हर इन लॉज हाउस. एंड वाइल वॉकिंग दे आर कैरिंग द पालकी ऑन देयर शोल्डर्स, दे आर सिंगिंग अलॉन्ग हैप्पीली. वो उठाए हुए भी हैं बेटा पालकी को और साथ में दे आर सिंगिंग बिकॉज दे आर हैप्पी. एंड एज पर द पालकी बेरर्स द ब्राइड इज सो लाइट दैट that they have compared it to a flower and a bird. Itni halki and beautiful hai ki wo flower ke jaise sway kar rahi. She is so light ki it feels like that a bird is quickly skimming. Skimming means ki jaldi se wo foam ke upar bird aati hai and chali jati. To bride ko flower se aur bird se unhone कंपेयर किया गया है. एंड दे आर वेरी हैप्पी, दे आर प्रिविलेज्ड. बेटा वो कह रहे हैं हमको बहुत अच्छा लग रहा है ब्राइट को उठाते हुए, है ना. एंड दे कोई दूसरा होगा तो सोचेगा अरे हम तो इतना शोल्डर पे इतना वेट उठा रहे हैं. नहीं, बट दे डोंट कंसिडर द ब्राइड एज अ बर्डन. वो ब्राइट को वेट के रूप में नहीं कंसिडर कर रहे हैं. दे आर सेइंग दैट वी आर वेरी हैप्पी टू कैरी द ब्राइड. और यहाँ पे ब्राइड का उन्होंने शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम. इस लाइन में बेटा वो जो ब्राइड है इसका आप दो मीनिंग भी, एक तो उन्होंने कंपेयर किया है ब्राइड को कि वो जैसे लिप्स के ऊपर ड्रीम में जब आपके लाफ आता है, जब आप ड्रीम करते हो आप लाफ करते हो वैसे, और ब्राइड भी बहुत सारी चीजों को ड्रीम कर रही. शी इज थिंकिंग अबाउट कि अब वो न्यू हाउस में जा रही है, अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के वो न्यू हाउस में जा रही है. शी इज गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू लाइफ. तो वो भी ब्राइड भी साथ में ड्रीम कर रही है अपने न्यू हाउस के बारे में, अपने आने वाले लाइफ के बारे में. तो ये सब भी मतलब द पालकी, द पैलेंक्विन बेरर्स, दे आर वेरी हैप्पी. सो दे आर व्हाइल दे आर कैरिंग दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग. और उन्होंने ब्राइड को कहा है द ब्राइड इज सिटिंग इन द पालकी एंड थिंकिंग अबाउट हर फ्यूचर आफ्टर मैरिज एंड शी स्वेइंग लाइक अ फ्लावर. कह रहे कि ब्राइड हमारी पालकी में बैठी हुई है और वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही है. तो उसके तो नाउ हियर इन दिस लाइन वी कैन हैव टू मीनिंग्स फॉर द फोर्थ लाइन. शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम कि वो सपने देख रही है अपने आने वाले फ्यूचर के. And she is also been compared to that
स्माइल ऑन द लिप्स व्हेन यू सी अ गुड ड्रीम. सो यू कैन, आप इसके दो मीनिंग बेटा बता सकते हैं, है ना. सो शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम. वो ड्रीम भी कर रही है अपनी न्यू लाइफ के बारे में, सपने की. इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ. बेटा मैरिज के बाद सबकी न्यू लाइफ स्टार्ट होती है ना. एंड मैरिज के पहले की लाइफ इज डिफरेंट एंड मैरिज के बाद की लाइफ इज डिफरेंट. तो शी इज ड्रीमिंग ऑफ द न्यू लाइफ व्हाट शी इज गोइंग टू लिव. तो शी इज गॉट अ स्माइल ऑन हर लिप्स व्हाइल ड्रीमिंग. सो द ब्राइड is sitting in the palki and thinking about her future after marriage, and she sways like a flower. The bride is gliding like a bird on the froth of a stream. She is floating quietly with a laugh from the lips of a dream. Aur wo float kar rahi hai dream dekhte dekhte, hai na. Aur wo float kar rahi hai dream, kya dekh rahi hai, apne aane wali nayi life ke. And the bride is gliding like a bird on the froth of a stream. जैसे कि एक bird एकदम से stream के ऊपर आती है and then she quickly moves away. तो she's been compared to the bird. They are singing and carrying her happily. और जो पालकी bearers है उसको अपने shoulders पे पालकी को उठाए and they are very happy to carry her. They are bearing her. और बहुत धीरे धीरे वो lightly उसको उठाए हुए and they are सिंगिंग. और आप कैसे बोल सकते हो वो धीरे धीरे उठाए, बिकॉज दे हैव कंपेयर्ड हर टू अ पर्ल. जैसे एक स्ट्रिंग के ऊपर एक मोती है उसको बहुत संभाल के हम उठाते हैं कि वो जो पर्ल है दैट इज वेरी प्रेशियस, वो कहीं गिर ना जाए. तो उसी तरह उन्होंने ब्राइट को किसके तरह बेटा पालकी में उठा के रखा है, लाइक अ पर्ल ऑन द स्ट्रिंग. एंड दे आर मूविंग जेंटली एंड cheerfully. और उठाते हुए वो कैसे मूव कर रहे हैं, gently and cheerfully. Now children, the second stanza. Softly or softly we bear her along. बेटा बहुत हल्के से धीरे से bride को उन्होंने उठा के रखा हुआ है. She hangs like a star in the dew of her song. और वो कह रहे हैं कि the bride is hanging like a star in the dew of their song. कि वो गाना गा रहे हैं और उनका जो सॉन्ग है वो किसके जैसा है. उनका जो सॉन्ग है वो आपने ड्यू ड्रॉप्स देखे हैं विंटर्स के समय में, घास के ऊपर सुबह सुबह ओस की जो बूंदें जम जाती हैं उनको ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं, ओस को. और ओस के ऊपर जो एक एकदम ऐसे डायमंड के जैसा कुछ शाइन करता है, स्टार के जैसे. तो उन्होंने ब्राइट को किससे कंपेयर किया गया है कि उनका जो सॉन्ग है वो ड्यू ड्रॉप है और उसमें जो स्टार शाइन करता है वो कौन है बेटा, ब्राइड है. शी इज सो ब्यूटिफुल दैट शी इज शाइनिंग लाइक अ स्टार ऑन द ड्रॉप, ऑन अ ड्यू ड्रॉप. तो जो पालकी बेयरर्स है उन्होंने ब्राइट को बेटा किससे कंपेयर किया है, लाइक अ स्टार ऑन द ड्रॉप ऑफ द ड्यू. ड्यू ड्रॉप के ऊपर जो स्टार शाइन करता है उसके जैसा. She springs like a beam on the brow of the tide. This means she rises like a layer of light seen on the top of the tide. और बेटा जैसे ही जो river में या sea में wave उठती है उसमें जब wave ऊपर आती है उसके ऊपर ऐसे रोशनी की जो किरणें रहती हैं उन्होंने वो रोशनी की किरण को किससे compare किया है बेटा, bright से. She rises like a ray of light seen on the top of a tide. जो लहर के ऊपर रोशनी की किरण आती है एकदम ब्राइट लाइट की, जब सन की रेज उस पर फॉल करती है रोशनी जैसी दिखती है, तो ब्राइट को उस लाइट से कंपेयर किया गया है. She falls like a tear from the eyes of a bride. अब बेटा हमने फर्स्ट स्टेंजा में पढ़ा था कि ब्राइट इज ड्रीमिंग, शी इज बिट हैप्पी बिकॉज शी इज गोइंग to a new house, है ना. बट अभी ब्राइट के आंख में से टीयर भी आ रहा है. आपने भी देखा होगा जब बेटा शादी होती है उसके बाद ब्राइट की जो विदाई होती, दुल्हन की जो विदाई होती है और वो फाइनली बाय बाय करती है तो शी क्राइज. वो अपने मम्मी पापा से गले मिलके रोती है. क्यों रोती है, बिकॉज शी इज सैड. वो क्यों सैड है, वो क्योंकि अपने पेरेंट्स को शी विल बी लीविंग एंड शी विल बी लीविंग हर पेरेंट्स एंड गोइंग टू अ न्यू हाउस. तो वहां पे आप ये जो टीयर है उसके आंसू की जो बूंद है वो क्यों निकल रही, बिकॉज शी सैड कि वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के एक न्यू हाउस में
जा रही है, अपने हस्बैंड के घर में जा रही है, अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के। तो शी फॉल्स लाइक अ टीयर, कहा है कि ब्राइट को उन्होंने टीयर, आंसू से भी कंपेयर किया गया है, ब्राइट का ही आंसू जो उसके आंख से गिर रहा है ना। एंड व्हाई शी इज दैट टीयर इज कमिंग आउट ऑफ हर आईज, बिकॉज शी इज फीलिंग सैड। वो क्यों सैड है? बिकॉज शी इज लीविंग हर पेरेंट्स एंड गोइंग टू हर न्यू हाउस, दैट इज हर हस्बैंड्स हाउस। लाइटली ओ लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, एंड वो कह रहे हैं कि हम बहुत लाइटली लाइटली स्मूथली ब्राइट को उठा के चल रहे हैं, सो दैट कि जो उनकी राइड है वो सेफ और स्मूथ हो। एंड जब हम पालकी को उठाए हुए हैं, वी आर कैरिंग द पैलेंक्विन ऑल्सो एंड वी आर सिंगिंग अलॉन्ग, हम उठाए हुए भी और हम गा रहे हैं। वाई दे आर सिंगिंग? बिकॉज दे आर वेरी हैप्पी, दे आर हैप्पी टू कैरी द ब्राइड ऑन देयर शोल्डर्स। एंड We bear her along like a pearl on a string. और वो कह रहे हैं उन्होंने ब्राइड को फिर किससे कंपेयर किया गया बेटा, पर्ल। एंड पर्ल इज वेरी प्रेशियस, मोती जो होता है बहुत वैल्यूबल एक जेम होता है, और मोती को जब हम धागे में पिरोते हैं तो कैसे उसको संभाल के दोनों तरफ से पकड़ते हैं कि कहीं हमारा जो पर्ल है वो गिरे नहीं। तो सेम वे जो पालकी बेरर्स हैं, पैलंग्विन बेरर्स हैं बेटा, उन्होंने उस मोती को बहुत संभाल के उठाया हुआ है। और वो मोती पर्ल को किससे कंपेयर किया गया, उन्होंने ब्राइड को पर्ल से कंपेयर किया। जैसे पर्ल को स्ट्रिंग में संभाल के उठाते, वैसे ही पैलंक्विन बेरर्स ने ब्राइड को पर्ल की तरह संभाल के उठाया हुआ है। सो आई होप चिल्ड्रन नाउ दिस पोयम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन लेट्स रिसाइट द पोयम। Lightly, oh lightly, we bear her along. She sways like a flower in the wind of a song. She skims like a bird on the foam of a stream. She floats like a laugh from the lips of a dream. Gaily, oh gaily, we glide and we sing. We bear her along like the pearl on a string. Softly, oh softly, we bear her along. She hangs like a star in the dew of her song. She springs like a beam on the brow of the tide. She falls like a tear from the eyes of a bride. Lightly, oh lightly, we glide and we sing. We bear her along like a pearl on a string. So I hope, children, now you understand the poem, Palanquin Bearers. And this poem is composed by Sarojini Naidu, who was also known as the Nightingale of India. So children, now we'll be continuing this poem in our next video.